मैं डॉक्टर अमित मित्तल, मैं डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर। हम यहाँ पर हाथों से रिलेटेड और भी हड्डी से रिलेटेड ऑपरेशन करते हैं। आज हमारे पास पेशेंट है, उनसे पूछते हैं वो कहाँ से हैं, कैसे चोट लगी और कैसे ठीक हुए। हेलो मैडम जी। हेलो सर। हाँ मैडम, आप ये बताएं आप कहाँ से हैं? सर मैं अलवर से ही, मैं रहती जयपुर हूँ। जयपुर रहते हो आप? हाँ जयपुर। और ये बच्चा? हाँ ये बच्चा मेरा है, ये मेरे फादर हैं। अच्छा। और मैं ये कैसे चोट लगी थी इनको? इसके सर इसकी चोट लगी थी, हम लोग दिवाली से घर पे घर के वो दिवाली से यहाँ पे जयपुर आए थे, तो इसके फादर गाय को खाना खिलाने जाते, ये बोली थी मैं मेरे को भी जाना है, तो पापा लेके नहीं जा रहे थे, तो इसके ये एकदम से निकलना, इसके पापा का गेट बंद करना हुआ, तो जब ये निकली तो इसकी फिंगर गेट में आ गई थी। ओके ओके ठीक है। और तो ये कहाँ की बात है, अलवर की बात? नहीं जयपुर की बात। जयपुर में हुई? हाँ जयपुर में हुई थी सर। और फिर इसका ये पार्ट कट गया था। ठीक है ओके। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया था, तो आप जयपुर में उसी दिन आ गए थे हमारे पास? हाँ मैं जयपुर ही थी उसी दिन, तो जिस दिन चोट लगी थी उस दिन जयपुर थी, फिर हम आपके पास आ गए थे। अच्छा ठीक है। तो मेरे बारे में कैसे पता चला था आपको? पता ही नहीं होगा। पता नहीं है वो। अच्छा, है। बस वैसे आ गए गुल्लभ जी मेरा और ओके। फिर आपके बारे में वही कोई डॉक्टर सर्जन तो आपका नाम ले तो फिर आपसे। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन आपको क्या कंफ्यूजन था जब ये था कि पता नहीं होगी ठीक नहीं होगी, तो ऐसे कंफ्यूजन चल रहा था क्योंकि पार्ट ही लगी थी, तो डाउट ही था कि क्या पता। वो पार्ट तो अलग ही था। हां पार्ट तो बिल्कुल अलग ही था। ठीक है। तो जब ये ठीक हो गई तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जब आप मेरे पास आए तब सारे टाइम कंफ्यूजन होगा, उंगली बची नहीं बची, डॉक्टर साहब ने बोला होगा 5-6 दिन तक पता चलेगा। हाँ, 5 दिन बाद में फिर 5 दिन बाद में आए तो फिर लगा कि हो जाएगा, तो पूरे हॉस्पिटल में स्टाफ में यहाँ पर सेंटर में जब भी डॉक्टर से मिले किसी चीज में कोई दिक्कत आई थी, आपका क्या एक्सपीरियंस था? हमारा एक्सपीरियंस यही था कि आज इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और लगा कि उम्मीद जगी थी 5 दिन बाद में कि मेरी भी मतलब फिंगर ठीक हो गई। तो घर में कोई तकलीफ हो रही थी इनको किसी भी चीज के लिए? आराम से नॉर्मल थी, जैसे पहले रहती थी वैसे नॉर्मल, अच्छे से खाना पीना सब कर रही थी अपना। ठीक है। तो इन पेशेंट के थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके डोर में क्रश इंजरी हो जाती है, उंगली अलग हो जाती है, तो ऐसे डोर स्टॉपर्स आते हैं कि जहाँ पर विंड या कुछ भी होता है तो पूरा डोर क्लोज नहीं होता। अगर आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं तो डोर स्टॉपर लगाएंगे अगर, तो जो उंगली में जो क्रश हो जाती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि लोगों को नहीं पता है। और जब ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें आप बहुत टेंशन में होते हैं, जो डॉक्टर माइक्रो सर्जरी जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे मिलकर जैसा वो कहते हैं वैसा करें। तो जैसे ये बच्ची जो हमारे पास आई थी काफ़ी टेंशन में थे, पेरेंट्स टेंशन में थे ठीक होगी नहीं होगी, तो उनको बताना ही जरूरी था। वी कैन ओनली ट्राई आवर बेस्ट बट वी डोंट नो द रिजल्ट्स। तो हमने पूरी मेहनत करी, ठीक करने की कोशिश करी और आज जो बच्ची है मेरे ख्याल से शी इज डूइंग ऑल द वर्क। आप कितने दिन हो गए इनको? मैं इनको 7 तारीख को लगी थी, आज देख लो 25 तारीख हो गई, 18 दिन हुए और सारे टांके वांके निकाल दिए और सारा काम कर लिए। दिस इज गुड, शी इज गुड, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम जी।